रामचंद्र की वंदे पावन श्री रामचरित मानस के कथा प्रसंग को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जाने सजनो कि श्री रामचरित मानस को लिखा है परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी महाराज ने। और बाबा जी महाराज ने इस श्री रामचरित मानस को कौन सी भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा, ग्राम्य भाषा में लिखा। और सजनो देखिए, जिस समय बाबा जी महाराज ने इस श्री रामचरित मानस को लिखा, उस समय के जितने भी ग्रंथ थे, वेद पुराण थे, सभी देवी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। सज्जनों, चाहे तो बाबा जी महाराज भी उस समय को देख करके इस श्री रामचरित मानस को भी देवी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिख सकते थे, लेकिन बाबा जी महाराज उस समय को देख करके नहीं, बल्कि आज के समय को देख करके इस श्री रामचरित मानस को लिखे हैं। क्योंकि बाबा जी जानते थे कि आगे जाने पर यह भाषा सबके समझ में आने वाली नहीं है। इसी कारण से बाबा जी महाराज ने सोचा, ताकि हर कोई इसको पढ़ के समझ ले और इसमें लिखी गई जो बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण करे। इसी कारण से बाबा जी महाराज बहुत ही सरल भाषा में श्री रामचरित मानस को लिखे हैं। और सज्जनों देखिए, यहाँ पर हम सभी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, सभी भगवान का पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सज्जनों, में आप सभी से पूछो कि पूजन का मतलब क्या होता है? पूजन का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास जाकर के सिर्फ दो अगरबत्ती जला दे, दोनों हाथ जोड़े, आंख बंद करें, वापस आ जाए। सज्जनों, पूजन का मतलब ये नहीं होता। पूजन का मतलब होता है जो हम सोच रहे हैं वो भगवान तक पहुंच जाए और वो परम पिता परमेश्वर प्रभु को हम पूरा जान पाए। पूजन का मतलब ये होता है। और यदि आप वो भी ना करें सज्जनों, तो अभी आपको दो दिनों का सुंदर सा अवसर प्राप्त हुआ है, सुंदर तीन दिनों का प्रभु की कथा श्रवण पान करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। और श्री रामचरित मानस में आप दो लाइन की चौपाई सुनेंगे। उस दो लाइन की चौपाई बाबा जी महाराज ने इतनी सुंदर लिखी है कि उस दो लाइन की चौपाई को आप याद कर लीजिए और दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के पास जा करके उस दो लाइन की चौपाई को सुना दीजिए। और वो दो लाइन की चौपाई कौन सी है? बाबा जी लिखते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, करो सुबेगी ये दास मैं तोरा। क्योंकि सज्जनों, एक भक्ति का मन जब प्रभु के चरणों में रम जाता है तो उसका मन अन्यत्र और कहीं नहीं जाता। और आइए आज हम भी अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध कर प्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे, प्रभु के आनंद को प्राप्त करेंगे। और बाबा जी महाराज अपने कथा का विस्तार करते हुए श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 में लिखते हैं,
सज्जनों, हमें सुंदर कांड का पावन कथा प्रसंग मिला है। और सज्जनों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि बाबा जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों लिखा, क्योंकि सुंदर कांड तो राक्षसों की नगरी से प्रारंभ होता है। सज्जनों, ये समझ में आता है कि बाल कांड में प्रभु की बाल लीला का सुंदर वर्णन है, अयोध्या कांड में सुंदर जब प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला था उसका वर्णन है, अरण्य कांड में प्रभु जंगल की यात्रा करते उसका वर्णन है, और इसी प्रकार से किष्किंधा कांड में सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला इसका वर्णन है, और लंका कांड में काल की डंका बजी इस कारण से उसका नाम लंका कांड है, और उत्तर कांड जो कि सभी प्रश्नों का उत्तर देता है उसका नाम उत्तर कांड है। लेकिन इसी कांड का नाम ही सुंदर कांड क्यों रखा गया, क्योंकि सज्जनों इस सुंदर कांड के विषय में कहते हैं, जहाँ पर क्या सुंदर नहीं है, सुंदरे सुंदरे कथा, सुंदरे सुंदरे कपि, सुंदरे सुंदरे राम, सुंदरे सुंदरे सीता, इति किम न सुंदरम, जहाँ पर सभी सुंदर है। और सज्जनों, इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, क्योंकि इसी कांड में मेरे प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज को आदि शक्ति माँ अम्बे जगत जननी माता जानकी जी के दर्शन हुए, इस कारण से इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में माता जानकी जी ने हनुमंत लाल जी महाराज को बेटा कहा, और प्रभु श्री राम जी ने भी हनुमंत लाल जी महाराज को बेटा कहा, इस कारण से इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। और इसी कांड में हनुमंत लाल जी महाराज ने माता जानकी जी की सूचना प्रभु श्री राम जी को दी, इस कारण से इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। और इसी कांड में प्रभु श्री राम जी ने हनुमंत लाल जी महाराज को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की, इस कारण से इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। और इसी कांड में विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं, और इस कारण से इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। सज्जनों, ऐसे और अनेक कारण हैं इस कांड का नाम सुंदर कांड पढ़ने का। और आइए इसी सुंदर कांड के पावन कथा प्रसंग को जानने का प्रयास करें सज्जनों, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज अपने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके, प्रभु की आज्ञा को मान करके भक्ति की यात्रा में निकले हैं, भक्ति स्वरूपनी माता जानकी जी की खोज में निकले हैं। और सज्जनों देखिए, जब एक भक्त भक्ति मार्ग के पथ पर निकल पड़ता है तो उसके सामने अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, और आज हनुमंत लाल जी महाराज के सामने भी बहुत सी बाधाएं आई। कैसी कैसी, सुरसा, सिहिका, मैनाक पर्वत, 100 योजन अथा समुद्र, लेकिन उन सब को पार करके हनुमंत लाल जी महाराज अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए सब विघ्न बाधाओं को पार करके लंका नगरी के समीप पहुंच चुके हैं। और सज्जनों, हनुमंत लाल जी महाराज शाम के समय लंका नगरी में पहुंचे, लंका नगरी के समीप पहुंचे, और आकर के हनुमंत लाल जी महाराज देखते हैं कि लंका नगरी के चारों ओर सारे राक्षस रखवाली करने वाले लंका के चारों ओर घूम रहे हैं। हनुमंत लाल जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं इस समय लंका में जाऊंगा तो सभी मुझे देख लेंगे, और इस कारण से नगर के बहुत संख्य रखवालों को देख करके हनुमंत लाल जी महाराज ने अपने मन में विचार किया, सोचा कि क्या अच्छा होगा कि रात्रि के समय, रात के समय एक अत्यंत छोटा स्वरूप बना करके, असल यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि मशक समान रूप धरिधर, मतलब कि मच्छर के समान। सज्जनों, यहाँ पर कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर हनुमंत लाल जी महाराज मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण किए तो अपने गदा को कहाँ रखे होंगे, ऐसे कई लोग पूछते हैं। लेकिन सज्जनों, हनुमंत लाल जी महाराज किसके समान रूप बनाते हैं, मशक समान रूप कपिधरे, एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाते हैं,
और अत्यंत छोटा स्वरूप बना करके सोचते हैं कि रात के समय, रात्रि के समय छोटा स्वरूप बना करके लंका नगरी में प्रवेश करो। ऐसा विचार हनुमंत लाल जी महाराज करते हैं। और आइए सज्जनों, आगे बाबा जी क्या लिखते हैं, एक भजन करने के पश्चात जानने की कोशिश करेंगे। लखन एक भजन प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमलों में। जिस प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज माता तुलसी जी के पौधे के पास बैठ करके हाथ में तुलसी की माला लिए और सामने तुलसी की पोथी लिए। तुलसी की पोथी मतलब इसी श्री राम चरित मानस को रख करके कि लंका नगरी में रात्रि के समय, रात के समय अत्यंत छोटा स्वरूप बना करके लंका नगरी में प्रवेश करो ताकि कोई भी मुझे देख ना सके। और फिर सज्जनों, आज हनुमंत लाल जी महाराज रात हो गई और रात के समय, रात्रि के समय अत्यंत छोटा स्वरूप बना करके मस्तक समान रूप कपिधारी, मस्तक के समान रूप धारण करके लंका नगरी में प्रभु श्री राम जी का मन ही मन स्मरण करके लंका नगरी में प्रवेश करने लगे। और अब लंका के द्वार पर खड़ी थी कौन? लंका की रक्षा करने वाली लंकिनी, नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। लंका के द्वार पर लंका की रक्षा करने वाली लंकिनी खड़ी थी सज्जनों। और ये लंकिनी लंका की देवी भी थी, जैसे कि हमारे ग्राम में भी ग्राम के देवी देवता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दशानन रावण ने लंका की रक्षा करने के लिए लंकिनी को चुना था। और वही लंकिनी लंका के द्वार पर खड़ी थी और लंकिनी लंका की रखवाली कर रही थी। लेकिन जब हनुमंत लाल जी महाराज छोटा स्वरूप धारण करके दरवाजे के अंदर से घुस रहे थे, तब लंकिनी ने देख लिया हनुमंत लाल जी महाराज को और कहती, कह रहा मूर्ख, तुम मुझसे बिना पूछे मेरा निरादर करके ऐसे लंका के अंदर कैसे घुसा चला जा रहा है? क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? कहती है लंकिनी कि जा नहीं नहीं पर मुँह सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी कहती है, कह रहे मूर्ख, क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? यहाँ पर आसपास के जितने भी चोर हैं, राक्षस हैं, वो सभी मेरे आहार हैं, मेरे भोजन हैं। सज्जनों, ऐसा लंकिनी बोल ही भी रही थी, फिर भी हनुमंत लाल जी महाराज चुपचाप चले ही जा रहे थे। लेकिन जब लंकिनी ने ज्यादा ही बोला कि यहाँ पर सभी चोर मेरे आहार हैं, मेरे भोजन हैं, हनुमंत लाल जी महाराज वैसे तो उस समय छोटे से रूप में थे, लेकिन जैसे ऐसे सुना वापस मुड़ करके आए, बड़ा विशाल रूप धारण किया और क्या किया, जय श्री राम कहते हुए लंकिनी पर घुसे का प्रहार कर दिया। और कहने लगे हनुमंत लाल जी महाराज लंकिनी से कि अच्छा, तू कहती है कि सारे चोर तेरे आहार हैं, तेरे भोजन हैं, लेकिन सुन, सबसे बड़ा चोर तो तेरा स्वामी है, कौन? दशानन रावण, जो कि चोरी से पराई स्त्री को हर करके लाया है, चोरी करके लाया है। यदि तेरी हिम्मत है, चोर ही तेरे आहार है, तो जा करके सबसे पहले अपने स्वामी को खा करके आ। ऐसा हनुमंत लाल जी महाराज कहने लगे। और सज्जनों, जब हनुमंत लाल जी महाराज ने लंकिनी पर मुष्टिका का प्रहार किया तो लंकिनी क्या करती है, खून की उल्टी करती हुई धरती पर गिर पड़ती है। और फिर कुछ समय के बाद अपने को संभाल करके फिर उठ करके खड़ी हुई। सज्जनों, यहाँ पर देखिए, अब लंकिनी के भीतर से जब खून की उल्टी हुई, खून की उल्टी हुई मतलब अभी तक जो उसने लंका के घर का भोजन खाया था, जो उसके अंदर में सारा विरक्त था, खराब चीजें थी, वो सभी एक संत के प्रहार से। और आज लंकिनी पर कौन सा प्रहार हुआ? सत्संग का प्रहार हुआ। और जब लंकिनी पर हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा सत्संग का प्रहार हुआ, तब लंकिनी हनुमंत लाल जी महाराज से कहती है कि हे विप्र, हे तात, मैंने आपको पहचान लिया कि आप कौन हैं। लंकिनी कहती है हनुमंत लाल जी महाराज से कि हे तात, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था
तो उस समय वहां पर मैं भी थी। और जब ब्रह्मा जी कहते हैं रावण से कि लंका नगरी में बहुत दिनों तक राज्य करेगा, कब तक राज्य करेगा? 5 करोड़ वर्षों तक ये लंका में राज्य करेगा। तब लंकिनी कहती है, तब हे तात, मैंने जाते समय ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे प्रभु, इतने दिनों तक जब ये राक्षस राज रावण 5 करोड़ वर्षों तक यहाँ पर राज्य करेगा, यहाँ पर तो धर्म की स्थापना कब होगी? यहाँ पर तो हमेशा अधर्म ही रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाए, बेहाल हो जाए, तब तू समझ लेना कि अब लंका में राक्षसों का विनाश शुरू होने वाला है, अब लंका का विनाश जल्द ही होने वाला है। इसी बात को लंकिनी हनुमंत लाल जी महाराज को कहने लगी। और आइए सुनो आगे बाबा जी क्या लिखते हैं। एक भजन करने के पश्चात जानने की कोशिश करेंगे। आइए सुनो एक भजन, नारी शक्ति के चरण कमलों में पुष्प समर्पित करते हैं। और हम नारियों के विषय में यही कहना चाहते हैं कि प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। ना समझो इन्हें मासूम अबला, ना समझो इससे मासूम अबला, हर श्रेय की भागीदार है नारी, हर श्रेय की भागीदार है नारी। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। पुरुष अगर कश्ती है तो कश्ती की पतवार है नारी। पुरुष अगर हिमालय है तो गंगा की धार है नारी। ये नारी अगर मुस्कुरा दे, ये नारी अगर मुस्कुरा दे तो उजड़े चमन में बहार आ जाए। और यही नारी अगर बिगड़ जाए तो दो धारी तलवार है नारी, दो धारी तलवार है नारी। और फिर सजनों, लंकिनी के ऊपर अब उतने समय से वो राक्षसी थी, लेकिन जब एक संत का प्रहार हुआ, कौन सा प्रहार? सत्संग का प्रहार। और उसके बाद लंकिनी जो कि सजनों एक राक्षसी थी, वो अब क्या कहती है कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। कहने लगी लंकिनी कि जो सुख स्वर्ग और मोक्ष में जाने से मिलता है, उससे बड़ा सुख आज मुझे मिल गया है। कैसा सुख? जो कि आज स्वयं परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी के दूत को आज मैं अपने नेत्रों से देख पाई, और अपने नेत्रों से देख करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और सूर्पनखा क्या कहती है सजनों कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। कहती है लंकिनी कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग को, तो भी वे सब मिल करके जो सुख स्वर्ग और मोक्ष में जाने के बाद प्राप्त होता है, वो सुख दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो कि तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख क्षण मात्र के सत्संग से होता है। इस प्रकार से हनुमंता, इस प्रकार से लंकिनी कहने लगी। और सजनों देखिए यहाँ पर लंकिनी क्या कहती है, सत्संग की प्रशंसा करती है। और सजनों देखिए जितना बढ़िया सत्संग यहाँ पर हुआ है, उतना बढ़िया सत्संग श्री रामचरित मानस में कहीं पर भी नहीं हुआ है। क्योंकि जिस सत्संग से, जिस संत के प्रहार से लंकिनी जैसी राक्षसी बदल जाए, तो उससे बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है। और आज लंकिनी सत्संग की प्रशंसा करती है, क्योंकि सजनों जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक वो परम पिता परमेश्वर प्रभु को हम प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। और सजनों यहाँ पर हनुमंत लाल जी महाराज भी कौन है? एक संत है। और आज संत का प्रहार लंकिनी राक्षसी के ऊपर होता है। और सजनों ये संत होते कैसे हैं? बाबा जी महाराज लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरश विशद गुणमय फल जासु। संतों का जो चरित्र होता है
वो कपास अर्थात रुई के समान होता है। जिस प्रकार से कपास अर्थात रुई में किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं रहता, वह बिल्कुल श्वेत स्वच्छ और निर्मल होता है। उसी प्रकार से संतों का भी चरित्र होता है। संतों के मन में ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, ना ही कोई द्वेष होता है और ना ही कोई जलन होता है। और ऐसे ही जो है संत कहलाते हैं, और ऐसे संतों का संग, ऐसे संतों के सानिध्य में हमें रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने मुख से माता सबरी जी को जब नौधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना, संतों के सानिध्य में रहना, क्योंकि एक संत ही होते हैं जो कि हमें भगवान के पास जाने का मार्ग बताते हैं, रास्ता दिखलाते हैं। और प्रभु यह भी कहते हैं कि सात और सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। क्या किन साधु संतों को मुझसे भी अधिक, मुझसे भी ज्यादा करके मानना चाहिए। और इसी कारण से बाबा जी महाराज भी सत्संग के विषय में श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में लिखते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग। कि बिना सत्संग के, बिना संतों का संग किए श्री हरि की कथा, प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिलती। और जब तक हम प्रभु की कथा को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे भीतर में जो मोह हुआ है, जो शंका हुआ है, वो दूर नहीं होगा। और जब तक मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह दूर नहीं होगा, तब तक वो परम पिता परमेश्वर प्रभु के चरण कमलों में अनुराग प्रेम हो ही नहीं सकता है। और सजनों ये मोह आता है क्यों? बाबा जी लिखते हैं, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख ना धर्म रति। ये मोह आता है कब? जब हम अपने धर्म से भटक जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में रत रहेगा तो ना तो मोह आएगा और ना ही प्रभु श्री राम जी के गुण से जीव वंचित रहेगा। और इसी कारण से हमें भी अपने धर्म के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अपने धर्म के पथ में जो चलेगा, वही भगवान के रहस्य को, भगवान के लीला को, भगवान के चरित्र को जान पाएगा। और जो अपने धर्म के पथ को जो छोड़ देगा, वो भगवान के रहस्य को जान तो नहीं पाता, उल्टा मोह में चला जाता है। क्योंकि सजने श्री रामचरित मानस में प्रभु की लीला को देख करके, प्रभु के चरित्र को देख करके कई लोगों को मोह हुआ है, कई लोगों को संशय हुआ है। प्रभु ने जितने भी लीलाएं करी है श्री रामचरित मानस में, सभी लीला को देख करके किसी न किसी को, एक न तो एक को मोह शंका जरूर हुआ है। माता सती जी को मोह हुआ, गरुड़ जी को मोह हुआ, काघुसुंडी जी को भी मोह हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ जी को भी मोह हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग धोखा खा जाते हैं। और इसी कारण से सज्जनों, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा। और जब हम सत्संग सुनेंगे, तभी हमें प्रभु में अनुराग होगा, प्रेम होगा। और आज ठीक उसी प्रकार से जब लंकिनी सत्संग करती है, संत का उसके ऊपर प्रहार होता है, तब वो जा करके सत्संग की प्रशंसा करती है। सज्जनों देखिए, ये सारा संसार झूठा है, माया मोह है। और ये झूठी दुनिया में हमें अपने मन को नहीं लगाना है। तो यहाँ सच्चा क्या है? एक ही जगह साचा सारे संसार में, एक ही जगह साचा सारे संसार में, और सब कुछ मिल जाता है मेरे राम के दरबार में, मेरे प्रभु के दरबार में। लंकिनी कहती है हनुमंत लाल जी महाराज से कि हे तात, आप अयोध्यापुरी के राजा प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके, अपने मन में बसा करके, प्रभु का स्मरण करके जाइए, लंका नगरी में प्रवेश कीजिए। और सज्जनों आइए, हम श्री हनुमत लाल जी महाराज के जीवन की कुछ विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करने का प्रयास करें, कि जिससे कि हम भी हमारे जीवन का मूल्यांकन करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए,
हम भी अपने जीवन को महान और आदर्श बना सके। बाबा जी महाराज शरमत लाल जी महाराज की वंदना करते हुए कहते हैं कि अतुलित बल धामम, अर्थात जो बल के धाम है और ऐसा बल जिसकी तुलना करना असंभव है। और फिर स्वर्ण शैलाभ देह, स्वर्ण के समान आभा युक्त उनके देह है और ज्ञान रूपी अग्नि में सभी प्रकार के शुभा शुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। और इसी कारण से श्री हनुमंत लाल जी महाराज को धनुजवन कृषाणु माना गया है। और श्री हनुमंत लाल जी महाराज में जो अग्नि है उसी बात को प्रमाणित करने के लिए बाबा जी महाराज तत्काल कहते हैं कि ज्ञानी नामाग्र कण्यम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम ज्ञानी और सभी ज्ञानियों में अग्रगण्यम है। और इन सब के पश्चात जब बाबा जी महाराज को श्री हनुमंत लाल जी में बहुत सारे गुण दिखाई दिए तो उनको अलग अलग अभिव्यक्त करने की अपेक्षा, अलग अलग बताने की अपेक्षा एक ही शब्द में समाविष्ट कर दिया। क्या? कि सकल गुण निधानम, सभी गुणों के खान जो है। और फिर गुण समूहों के क्रम में कहा गया कि वानराणाम धीशम। सज्जनों बड़े आश्चर्य की बात है, वानरों के राजा बाली और सुग्रीव जी के होते हुए भी बाबा जी महाराज ने श्री हनुमंत लाल जी को ही वानराणाम धीशम कहा। तो क्यों कहा, इसका भी समाधान अंतिम पंक्ति में करते हैं। कहते हैं कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नवामी। सबसे पहले हनुमंत लाल जी महाराज कौन है? राम भक्त है। और उसके बाद चाहे जो भी हो, उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने प्रभु की सेवा करना है, अपने प्रभु के कार्य को पूरा करना हुआ। क्योंकि सज्जनों हनुमंत लाल जी महाराज का तो जन्म ही क्यों हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमंत लाल जी महाराज का तो जन्म ही अवतार ही अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। और सज्जनों हनुमंत लाल जी महाराज भी कैसे हैं, बल में बलवान ना होते, बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, विजय श्री राम ना होते, अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान ना होते। ऐसे हैं हनुमंत लाल जी महाराज। और कैसे हैं, जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। ऐसे हैं हनुमंत लाल जी महाराज, जो कि हमेशा अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सज्जनों आज के हम मनुष्यों को भी हनुमंत लाल जी महाराज के चरित्र से सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में हमें भी किस प्रकार से प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए, प्रभु के काम को करने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए किस प्रकार से हमेशा आगे रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि सज्जनों हमें मानव शरीर क्यों मिला है, भगवान का भजन करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए। इसी कारण से बाबा जी भी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है, मानव का चोला मिलता है। जब हम पूरे 84 लाख जन्म में भटक करके आते हैं सज्जनों, तब जाकर के अंत में ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मानव का शरीर है, मानव का तन है, जिसे पाकर के मानव भगवान का भजन कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। सज्जनों और हम इस मानव शरीर को लेकर के आए कहाँ हैं, इस कलयुग में। और इस कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाबा जी महाराज लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सज्जनों इस कलयुग में केवल और केवल मात्र भगवान का नाम ही
एकमात्र सहारा है, क्योंकि बाकी के युग में क्या होता था, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में वहां के नर नारी स्त्री पुरुष कई यज्ञ करते थे, जप करते थे, तप करते थे, वन में जाकर के, जंगल में जाकर के, पेड़ के नीचे खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े रह करके हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे और तब जाकर के उन्हें मुक्ति मिलती थी, मोक्ष की प्राप्ति होती थी और तब कहीं जाकर के प्रभु के दर्शन होते थे। लेकिन सिर्फ एक कलयुग ही ऐसा है जहाँ के मानव को ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम करते रहो, बस मुख से राम नाम का स्मरण करते रहो। इसी कारण से बाबा जी लिखते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि ये कलयुग का मनुष्य विश्वास करे, यकीन करे सज्जनों, तो इस कलयुग के समान और कोई दूसरा युग ही नहीं है और ना ही कभी होगा और ना ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या है, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, भवतर बिना ही प्रयास। यहाँ का मनुष्य केवल भगवान के गुण समूहों को गा गा करके, भगवान के नाम का स्मरण करके ऐसे संसार सागर से, अपार भव सागर से पार हो सकता है। लेकिन सज्जनों देखिए, ऐसा नहीं कि केवल भगवान के नाम को ही लेकर के, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पहले भक्ति करेंगे तभी वो परमपिता परमेश्वर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मंजन सोम ही बावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसी कारण से हमें सबसे पहले भक्ति को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखै तैसा। क्योंकि बिना भक्ति के, बिना प्रभु के भजन के, एक नर, एक मनुष्य किस प्रकार से दिखता है, जैसे कि जलहीन बादल, बदली तो आ रहती है लेकिन बारिश वर्षा कुछ नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है, उसी प्रकार से बिना प्रभु की भक्ति के, बिना प्रभु के भजन के एक मनुष्य दिखाई देता है। और सज्जनों देखिए, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भव सागर से पार हो ही नहीं सकते हैं। चाहे इस संसार में कुछ भी हो जाए, कैसे कैसे कुछ भी हो जाए, बारी मथे कृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, मतलब कि संसार में भले ही एक से टेक्नोलॉजी आ सकते हैं, किस प्रकार से जल को मथने से भले ही घी निकल आए, रेत को मथने से, रेत को पेरने से भले ही तेल निकल आए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना हरि का भजन किए, बिना प्रभु का भजन किए, कोई भी मनुष्य इस संसार सागर से पार हो ही नहीं सकता है। और यह सिद्धांत अपेल है, अटल है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। और इसी कारण से सज्जनों, हमें भी प्रभु का भजन करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, किस प्रकार से, परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज के जैसे।